ऑप्शन हर गरीब कमाई में ही जमा करता या मेरा समय सुस्ती में व्यर्थ जाता। हर दिन मेरा कितना कमाई का चार्ट है या वेस्ट का चार्ट, तो समय बिल्कुल हमें गिनती के मिले हुए घड़ियां है। कल क्या होगा किसको क्या पता, इसलिए कहा घड़ी घड़ी आता कल क्या होगा अचानक होगा। ये आवाज कानों में बहुत आता, कल क्या होगा अचानक होगा, इसलिए एवरेडी दो। दूसरी मुझे सबसे एक बात आप सबको कहनी है, मैं कल वहां भी सो बाबा की श्रीमत है, अमृत वेले उठो मुझे याद करो। लेकिन अमृत वेला सुस्ती में जाता है तो कमाई नहीं होती परंतु सुस्ती में जाता। चलो कोई की ड्यूटी है तो भी बाबा कहते तुम्हारे को तो कोई भी ड्यूटी है याद में रहते कर का दे दिल याद दे ऐसे करके याद करते भी करो। मान लो कोई को चाय बनाने की सुबह को 3 बजे उठ ड्यूटी है, मैं किसके लिए चाय बनाता, किसकी याद में चाय बनाता, कौन पिएंगे। ऐसी प्यार और भावना और याद से बैठ चाय बनाते तो भी वो कर्म डबल कर्म हुआ। या लाचारी अब तुम मुश्किल से तो नींद आई अभी उठी अभी चाय बनाओ, कहा पूरी नहीं होती है, बड़ी ये डिफिकल्ट ड्यूटी है, पूरी हो तो जाके सो जाऊं तंग हो जाऊं। तो ये जो सूक्ष्म तंग होना होता क्या वो सेवा की कमाई हुई या तंग हुए तो वो वेस्ट गई। दूसरी बात बाबा कहते मुरली जरूर तुम बच्चों को सुननी है, चाहे उसी घर ही सुनो चाहे कोई जरूरी ड्यूटी है तो पीछे भी सुनो। तो ये बात कई बाबा के बच्चों को स्टूडेंट्स को इतनी पक्की रहती बीमार होते भी गाड़ी में भी चल के सेंटर पर आएंगे, दूर दूर से आएंगे मुरली सुनने। मुरली है हमारी डेली आत्मा की डेली की खुराक। जैसे एक दिन नींद न करो तो दिमाग कितना थका हुआ रहता, वैसे मुरली है हमारा सच्चा आराम। आराम नहीं तो दिमाग क्या करेगा, चिड़चिड़ाएगा। मुरली मिस कर तेरे मेरे तेरे बातों में मिस ड्रामा में, ये भी एक अपनी कहूँ, जब दृढ़ संकल्प होता तो वो एक नेचर भी स्वभाव भी बन जाता। चाहे मैं प्लेन में हूँ चाहे मैं ट्रेन में हूँ चाहे मैं कार में जाऊंगी चाहे रात को सोएंगी सुबह को, सबको मालूम है कि दादी रात को मुरली पढ़ती है पीछे सोती है। सवेरे नींद से उठती हूँ चाय पी के मुरली पढ़ती हूँ पीछे नहाने जाती हूँ। तीसरा बार क्लास में आती हूँ चाहे न भी क्लास में हूँ तो भी मैं 2 बार मुरली जरूर सारी मुरली आज की पूछो मैं पूरी रिपीट कर सकती। मुरली से प्यार उन्हों का, बाबा से प्यार जिन्हों का, मुरली से प्यार नहीं माना बाबा से प्यार, ये बाबा के बोल है, है? सारे में कह देती हूँ हम सब मुरली धर के मस्ताने बच्चे बैठे हैं। मुरली हमारी प्यारी है प्राण है, मुरली हमारी पराई है, मुरली ही हमारी खुराक है, मुरली ही हमारी शक्ति है, मुरली हमारे जीवन का आधार है, मुरली आधार मुरली ही वास्तव में स्थिति का आधार। अब मुरली ही बाप से पूरा पूरा याद में खुशियों के लहरों में लहराती है, इसलिए मुरली का गायन। तो मुरली कभी कोई यहाँ वहाँ मिस नहीं करो, ये अटेंशन चाहिए।
ये भी बाबा कई बार नोट करता कि कौन मेरे बच्चे हार्ड वर्कर है, कौन बच्चे मेरे अलबेले है, कौन बच्चे मेरे सुस्त है। ये भी कमाई में मास जमा सूखे होती है, कोई कोई की नेचर सुस्त होती। सुस्ती बाबा ने कई बार कहा है, पांच तो विकार है लेकिन उन सारे विकारों की जननी है तो सुस्ती है। जिनों के संस्कार में सुस्ती है समझो वो सभी माया के वश है। सुस्ती अनेक प्रकारों के मायों को बुलाती है। सुस्ती कभी नहीं शरीर में होनी चाहिए। चलो फिरो, उठो, खाओ, बैठो, हंसो, लेकिन सुस्त नहीं बनो, क्योंकि हम सब गार्डली स्टूडेंट है। स्टूडेंट तो दौड़ते भागते नाचते गाते, तो हम सभी स्टूडेंट है, मेहनत करते काम करते ये करो तो अच्छा है। सुस्ती बीमारी का दरवाजा खुड़काएंगी, चुस्ती बीमारी को भगाए। ये भी एक आप लोग देखेंगे पूछ लो। इसलिए सदैव लाइफ को एक्टिव रखना चाहिए, कभी भी सुस्त नहीं रहना चाहिए। हमारा अनुभव करता आज अगर ये ऐसी है शरीर है तो सुस्ती करो तो मन होगा, ये ऐसी ही है माया। लेकिन एक्टिव रहो तो माया ये आएगी नहीं सुस्ती। टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना। इसलिए स्कूल में भी लेजी स्टूडेंट कोई होता है तो उनको मार्क्स काट देते है ना भैया, स्कूल के अनुभवी हो ना, कहेंगे ये लेजी बॉय है। तो आप लेजी बॉय हो या चुस्त बॉय हो, पांडव चुस्त होते, पांडव लेजी नहीं होते, पांडव हो। शक्तियां देखो को हम सभी बच्चों के लिए सदा ये आश रहती कि मेरे बच्चे मेरे समान हो जाए, और हम भी ये चाहते हैं सब कि हम बाप के समान बने। क्यों, यही संगम का समय है जब बाप हमसे मिलते, हम बाप से मिलते, और यही संगम का समय है जो बाप हम सब बच्चों को अपने साथ समान बना के घर ले जाते। घर जाने का न आगे टाइम है न पीछे, यही टाइम है। और आप हम सबको बाबा सूचना देता रहता है कि जो भी बच्चे अभी तक आ गए हैं वो टू लेट नहीं हो, परंतु लेट जरूर आए हो पर टू लेट नहीं हो। तो इस समय में भी हम अगर अपनी एक एक घड़ी को इतना ही पावरफुल बनावे जैसे कभी कोई कोर्स लेता है, तो वैसे कोर्स तो एक साल का होता पर कोई तीन मास में भी गलत कर लेता। तो आप सभी भले 60 बरस से नहीं परंतु चाहे 1 साल से हो कि 5 साल से हो, परंतु सबको बाबा की आज घड़ी तक भी पढ़ाई एक मिलती है। तो ये सब देख दादी को
रोज सवेरे में बाबा कानों में कुछ कह रहे, अब कानों में बाबा क्या कहता, पहला तो दिखाता है कि अब समय बहुत हो रहा है, जैसे समय की घंटी बजाता रहता, और बाबा कहते अंत मते सो करते हो जाओ। तो ये समय है अंत मते सो करते का। तो सबसे बड़ी जो इस टाइम सूचना है वो है टाइम की, समय की। हमारे कलप की घड़ियां भी जैसे गिनती की पूरी हो रही है, और हमारे 84 जन्मों का भी ये जन्म अंतम पूरा हो रहा है, और बाप दादा के पढ़ाई का भी ये समय पूरा हो रहा है। तो हम बच्चों को पुरुषार्थ मेहनत करने का भी टाइम पूरा हो रहा है। कई बार ये अनुभव होता कि जैसे स्कूल में पहले सूचनाएं देते मास्टर कि अभी आप लोग का एग्जामिन होने वाले, वो कभी 6 मास, फिर कभी 3 मास, फिर अंत में आके 1 मास पहुंचे। तो बहुत करके बच्चों को छुट्टी देते कि अभी आप सब पढ़ाई को रिवाइज करो, स्कूल से छुट्टियां होती कि एग्जामिन के लिए तैयार हो। तो क्या ये अनुभव नहीं होता कि अब हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिन चल भी रहा है और लास्ट पेपर भी आने वाले हैं। तो हमारी स्व स्थिति वहां तक है जो हम हर पेपर को अच्छी रीत हम त्रिकालदर्शी बन पेपर को देखे समझे और उस पेपर को सामना करें, जिसके लिए कल भी अव्यक्त बाबा की थी मुरली के, एक है सुनना सुनाना एक अनुभव बनना। तो हमारी हर एक पूछे हमारी स्थिति, हर टाइम अनुभवी मूर्त बन गई है। अनुभव किसमें चाहिए, अनुभव चाहिए माया की, अनेक रूपों को पहचानने की। अनेक रूपों में माया क्या होती उनकी हमें नॉलेज है या अनुभव है या जानकारी है। कल बाबा की मुरली में कई मिसाल थे, फिर बच्चे कहते बाबा हाँ तमासी का घर नहीं है, नहीं। लेकिन अगर बाबा के साथ का अनुभव है तो मासी कुछ भी। कल बाबा की मुरली में एक बहुत उदाहरण था हम लोगों के लिए, अंडरलाइन किया होगा कि दिखाते हैं अक्यूनी और 5, इन दोनों के बीच का अर्थ था 5 का है साथी, 7 साथी 7 है।
तो कल की मुरली का अनुभव था कि साथी साथ है तो अक्यूनी कुछ भी आवे वो जैसे कुछ नहीं। कितना कंट्रास्ट है, वो अक्यूनी सेना है माया की, तो माया को है अक्यूनी सेना, अक्यूनी रूप। हर सेकंड माया का अपना अपना खेल करता, और बाबा तो है साथ, और उस साथी की ये शक्ति है कि माया को दूर से पहचानो और उस अक्यूनों को ही बाप के साथ से तीर मारो और विजय। तो प्रैक्टिकली देखा जावे के ये महाभारत हरेक के सामने रोज चलता, कभी किस प्रकार से, कभी किस प्रकार से, कभी किस प्रकार से। महाभारत की युद्ध रोज देखते, अनुभव करते, संकल्पों में, विकल्पों में, संगठन में, साथियों में, स्वभाव में, संस्कारों में, आदतों में, तो बहुत अनेक रूपों से माया अक्यूनी रूप में खेल खेल। हम कभी कहती माया क्या परी है तू प्रभु के सामने इतना सभी को नाच नचाती हो, तू चुप नहीं कर बैठती। वो कहती है मेरा काम ही नाच नचाना है, मैं चुप नहीं हो सकती। वो एक जंप देते तो मैं उनको चार जंप दिलाना चाहती। हम भी देखे कितनी जंप देने की शक्ति है। जैसे बच्चे जंप देते है ना, 3 फुट 5 फुट पता नहीं कितना हाई जंप दिलाते, तो माया भी हाई जंप देने की हिम्मत और प्रैक्टिस कराती, और फिर उसका जवाब एक ही मुरली में है। चाहे माया कितने ही क्यों नहीं रूपों में खेल खेलने आवे, परंतु बाबा के साथ से आप उस पर विजयी बनता। तो कहा, बतला रही थी उस दिन भी कि 5 बातें दादी के पास बार बार आती है, 5 सूचनाएं मिल रही है। 1, अचानक 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 सब। 2, मिसला एक अचानक की सूचना सुनाती। देखो क्या होता, एक बच्चा था 12 साल का, माता ज्ञान में आती है, तो बच्चा को एक साथ साइकिल पर बिठा के आगे जा रहा, तो साइकिल जो चला रहा था उसने कहा आप यहाँ बैठो खड़े रहो, मैं सामने दुकान से चीज ले आता। और बच्चा साइकिल लेके खड़ा है, तो बच्चा ही तो था, तो समझा मैं भी खुद साइकिल यूं चलाऊ। उसी सेकंड में सामने ट्रक आई, पूरी बच्चे के ऊपर चढ़ गई, और 12 साल का बच्चा सेकंड में खड़ा है बस, और सेकंड में चला गया, और वो परिवार में एक ही बेटा था। तो घर में तो परिवार में दो शौक आता ना, आएगा ना, लेकिन हम आप जानते हैं अचानक तो ये सब होंगे। आप अगर इस साल की देखो अचानक,
कहाँ अर्थक्वेक जबरदस्त हो रही है तो कहाँ अचानक आंधी तूफान हो रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है। लेकिन अचानक तो बहुत कुछ होता ही है। तो अचानक के साथ बाबा कहते हैं कि आप सब एवर रेडी हो, हर तरह से एवर रेडी हो। हमें याद है कि बाबा हमारे एवर रेडी का कई बार पेपर लेता था। हम कोई काम कर रही हूँ, बैठी हूँ, भाई हम आए हैं कुछ काम करें। अब ट्रेन का टाइम 1 बजे है, बाबा 12:15 बजे बुलाता है, बच्ची अभी 5 मिनट में तैयार हो और ट्रेन पकड़ो, तुम्हें वहां जाना। ट्रेन का टाइम है, 5 मिनट में तैयार हो, ऊपर से नीचे तक जाना है। रिजर्वेशन रिजर्वेशन की बातें उस टाइम में नहीं होती, खड़ा रह जाएगा कि कितना 5 मिनट में आई कि 10 मिनट में आई। आखिर अचानक है, रूम में जाओ, सामान बैग में रखो, निकलो। असल एकदम मैं देख रहा हूँ कितने मिनट में तैयार होके आते हैं। अगर बराबर टाइम पर हम पहुंच गई तो शाबाश, अगर थोड़ी लेट की तो कहेंगे गृहस्थी हो। तो बाबा तैयार भी तो हो। मिलिट्री वालों को बोला जावे 10:30 बजे तैयार हो, वो कहेंगे क्या कि हमें तो अभी ये लफड़े लेने हैं, तो अभी आप मिलिट्री नहीं बने, मिले कहीं टाइटल मिल जाते थे। ऐसे ही माया भी अनेक रूपों में अचानक आए, जिसका न कभी अनुभव होगा, न कभी उनका कोई सूचना होती। लेकिन ऐसी माया आएंगी जो हाल तो बुद्धि को चक्कर दिलाती, चक्करवर्ती वो आता है ना, तो साइक्लोन आता है चक्करवर्ती का, वो ऐसा आ जाए। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप से पूछो, हम चाहे कितनी परिस्थितियां आवे फिर भी हमारी स्थिति अंगद की तरह अडोल है। आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, अकाल आएंगे, सब आएंगे, लेकिन ये तो प्रकृति के है। लेकिन सूक्ष्म माया के भी अनेक प्रकारों के संकल्प विकल्प। तो क्या कैसी किस तरह भी कोई परिस्थिति आवे, हमें हर हाल में खुशहाल रहना है, ऐसी स्थिति है या स्थिति हाँ हूँ क्या हुआ अब कैसे होगा ये तो नहीं उठ। बाबा कई बार मिसाल देते, माया बहुरूपी है, वो कई बहुरूपों धारण करके आएंगे, माया कई अप्सरा बन करके भी नाचने सामने आएंगे। अप्सरा समझा, अप्सरा कहते हैं ना, बड़ी सुंदर। तो माया ऐसी अप्सरा बन के भी कई रूपों में आएंगी, परंतु आप हर हाल में हर बात को उसको समझ के पहचान के सामना करने की शक्ति है। या जब माया आवे तब सामना करने की शक्ति के बजाय उसके वश में हो जाए, उनके रूप को न पहचानो और उसके बहु रूपों में आकर्षित हो।
इसलिए इसी का ज्ञान है। तीसरा जवाब है कि हमेशा बुद्धि में ये सोचो, गहराई से जाए देखो, हमें बाबा ने कर्म विकर्म अकर्म की गुह्य गति का ज्ञान दिया। कोई पूछे कल से लेके, कई बार मैं देखती हूँ कि ये कर्म कर रहा है या ये विकर्म कर रहा है या कर्म खुद दूसरे, ये कर्म क्या चीज है, विकर्म क्या चीज है, अकर्म क्या चीज है, जैसी वो सारी गुह्य गति घूमती रहे। मान लो थोड़ी किसी से बात करते, कोई को कोई ऐसा जवाब दिया जो आगे वाले को फील हुआ, जबकि आपने जवाब राइट दिया पर आगे वाले को राइट नहीं, आगे वाले को फील हुआ, तो क्या उनका कर्म बना या मेरा कर्म बना? अब इसमें चाहिए मैं, अगर आपने शुभ भावना रख के उनको राइट बात कही फिर भी वो नहीं समझता है तो अब ये उनका कर्म बनता है। और फिर उसकी जो उनको फीलिंग भी आती, तो एक तो कर्म किया, दूसरा आपने उनको समझाया, तीसरा उसी श्रीमत को नहीं समझा फिर भी फीलिंग में आया, वे स्टार्ट किया, तो ये है कर्म। तो क्या भी कर्म बनाया, परंतु अगर आपने समझाया लेकिन शुभ भावना से नहीं दिया पॉइंट जो उनको रियलाइज हो, या परे गुस आपने ऐसे बात कही जो उनको दुख होता है, बोलने का भी तो मधुरता न मधुरता सब होती, या नहीं शुभ भावना से सुनी सुनाई बात से कुछ कही तो उनको दुख हुआ, तो जो दुख हुआ उसमें दोनों का कर्म बना, देने वाले का भी लेने वाले। अगर उससे भी आगे में कोई ऐसी बात है जो आप इस तरह से व्यवहार करते तो उनको और भी आगे चल के कहेंगे कि विकर्म सब। दूसरा विकर्म ये बनता है, बाबा ने हमें हर कदम की श्रीमत दी है लेकिन अपने स्वभाव संस्कार के कारण उस श्रीमत को पालन करने की शक्ति नहीं, और वो मन मत डालता, मन मत रखता, जिस मन मत से उनको भी और दूसरों को भी फील होता, दुख होता या राइट नहीं लगता, तो उस पर डबल विकर्म का दंड। मान लो हम संगठन में रहते हैं, लेकिन हम संगठन में रहते भी अगर कोई किसी से सूक्ष्म नफरत करता है तो जिसकी जिसके प्रति नफरत होगी उसके प्रति उनके उनसे जो भी चलेगा फिरेगा उनको दोष नजर आएगा, तो बुद्धि दोषों में जाती। तो इन बातों में अगर बुद्धि दोष देखती रहती, बुद्धि में दोष आता रहता, तो एक तो जो देखने वाला है उसका भी विकर्म बनता, और दूसरा अगर वो सचमुच अपने स्वभाव या आदत से लाचार है, जिसको वो स्वभाव आदत को नहीं समझ के परिवर्तन करता
तो वो उन ताबीज कर। तो सबसे एक अक्षर सभी का कामन है, क्या करे मेरे में अभी थोड़ी ये बात की आदत, मान लो सुस्ती की आदत, नाम तो आदत दिया ना, आदत नाम आया ना, तो आदत हमारी फरिश्ते की स्थिति की है या आदत हमारी दे अपमान की स्थिति। फरिश्ते स्थिति में हम कब कहेंगे ये मेरी आदत, कहा जाता है आदत बुरी बला, बला कही जाती है शत्रु। तो मैं आदत के अनुसार नींद करता, सोता, उठता, बोलता, चालता, कर्म करता, खाता पीता, व्यवहार करता, आदत के अनुसार करता या श्रीमत के अनुसार करता, इसकी चाहिए सूक्ष्म। योगी कभी नहीं कह सकता मैं आदत के मजबूर हूँ, ये योगी का शब्द है। आदत होगी तो वृत्ति भी जाएंगी, वाइब्रेशन भी जाएगा। अब सवाल है मेरी पुरानी आदत थी समझो कोई, लेकिन ज्ञान माना आदत को परिवर्तन करना, तो जो भी आदतें हैं आदतों को परिवर्तन करना ही योगी का लक्षण है, और आदतों के वश चलना ये है भोगी का लक्षण। अब हम कौन है? गीता में भी है, हे अर्जुन मनुष्य स्वभाव के वश, योगी स्वभाव को वस्त्र, जिसका कई बार बाबा स्व का भाव क्या है वो समझो। एक है अपने संस्कारों के अनुसार स्वभाव, दूसरा है हमारे योग का स्थिति का भाव। हम स्वभाव के वश है या स्वभाव को वश रखा, इसकी बहुत गहरी जानकारी। इसीलिए सन्यासी इन बातों को परे रहने के लिए चले ही जाते जंगल में, क्योंकि वहां ऐसी बातों का सामना तो नहीं करना पड़ता, भल आजकल वो नहीं रहे, लेकिन उनके जाने का मूल कारण ये होता वो समझते हैं कि हम इन सब बातों से परे हो, इन सभी स्वभावों आदतों शरीर ये प्रकृति को वश करे। लेकिन हमारे बाबा को हमें बाबा ने हमें बड़ी एक दो सहज भी है पर डिफिकल्ट, वो सहज है कि आप अकेले रहो, अकेले खाओ, अपना मौज करो, शिव बाबा को याद करो, क्या सर्विस के लफड़े में पढ़ना ये करना है। ठीक है बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं तो सहज है, आए मुरली सुनी अकेले रहे, तो अपना काम धंधा किया, अपना दारू, अकेले है, निश्चिंत है, लेकिन इसको बाबा मानेगा, कहेगा बच्ची तुम्हें जो नॉलेज मिली है वो दूसरों की सेवा की, तो सेवा की तो मार्क्स मिली नहीं, तो जो नॉलेज फुल बने उस नॉलेज को तो दिया ही नहीं, तो धन दान किया ही नहीं, तो तुम महादानी तो बनी नहीं। अब बनी नहीं ये रिमार्क मिल गई कि महादानी नहीं बनी, अब चलो महादानी बनी, फिर चलो दान भी कुछ करो, फिर कहेगा कि सभी के साथ मिलके सेवा करो संगठन की,
नहीं बाबा मैं तो अकेले में सब कर लेता, बस बाबा मैं अकेला ठीक। तो क्या बाबा ये मंजूरी देगा तो अकेला अकेला करो, अकेले रहो? नहीं। क्यों डरते हो क्या, घबराते हो क्या? ये ईश्वरी परिवार है तो तू परिवार का नहीं हो क्या? चलो मेरा पार परिवार का ही नहीं है तो मिली क्या अकेले की छुट्टी? नहीं मिली छुट्टी। तो मान लो ये मेरा परिवार है तो परिवार भी हो, फिर गार्डली स्टूडेंट भी हो, फिर सतगुरु की श्रीमत पर चलने वाले योगी भी हो, फिर पूछो कि अब मैं सब को साथ लेके कटे में चलता हूँ। फिर परिवार है तो ईश्वरी मर्यादाएं में चलो, स्टूडेंट है तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखो, संगठन है तो सेवाएं मिलके करो, एक सेवा करे एक सामने देखे ये। जितना तुम कर्म करेंगे उतना तेरा भाग्य बनेगा, फिर भाग्य बनाने का फिक्र देगा। करे तो क्या करे, तो क्या करे क्या करे? मैं संगठन के साथ नहीं चल सकता। तो आप अलाउ करेगा बाबा के संगठन के साथ नहीं चल सकते तो आप ब्रह्मा कुमार हो, छुट्टी देगा बाबा? हाँ देगा। तो हर कदम में मरो मरो मरो, अब कहाँ तक मरे? फिर उसमें सब थक जाते, फिर थक जाते तो कभी सुस्ती आती, कभी कुछ आता, कब मन में माया आती, कब पुरानी दुनिया याद आएंगी, कब तेरा मेरा याद आता। कहने का भाव है कि कदम कदम पर मरना सिखाता है। तो मरने वाला कहेगा क्या मैं आदत के या स्वभाव के या फलाने के बस हूँ? मर गए मरने वाला कैसे कहे कि मैं बस? किसके कहा बस? तो माना मरा नहीं हो ना। तो आदत मुझे बस रखी, माना मैं जीते जी मरा नहीं। इसीलिए बाबा कई बार कहते सन्यासियों का ज्ञान तो फिर भी सहज है, अपना तो कितना बातों में मरना चलना संभालना निभाना क्या बातें नहीं करनी है? हाँ खाना पीना भी संगठन में जो मिले सो अमृत करके खाओ। कई बार अंदर से सूक्ष्म ऐसे भी अगर हमारी सूक्ष्म नफरत आई तो किसकी इंसल्ट की? ब्रह्मा भोजन। तो हमें ब्रह्मा भोजन का भी सत्कार रखना है, न कि अपने आदत के अनुसार खाना, अपने आदत के अनुसार न खाना। इसीलिए बाबा ने हमें इन सब बातों की प्रैक्टिस कराई कि जो भी जैसा भी जहाँ जो भोजन मिले वो प्रेम से, कि बाबा ने हमें कर्मातीत बनने के लिए, पार्श्विकानर होने के लिए ये सब बातें सिखाता है, ताकि हम किसी भी बात के में फेल न, चाहे संकल्पों में, चाहे विकल्पों में, चाहे स्वभावों में, चाहे संगठन में, चाहे अपने सूक्ष्म संस्कारों में, किसी के भी हम परवश एवरेजी बने। आज अगर शरीर छूटे तो मेरी स्थिति मीटर में देखो कहाँ, मेरी स्थिति कितने तक आगे थी, ये रोज अपने मीटर में अपनी स्थिति को, कर्म का खाता क्या है, कर्म का है नहीं है,
बिल्कुल हमारी प्लेट कहो मीटर में क्लियर दिखाई पड़ती कि मेरी स्थिति कहाँ। तो हमारा मीटर है कर्मातीत, उसी को सामने रखो और फिर चेक करते रहो। इस कर्मातीत में ये इतनी मार्क्स ये सब एक एक कर हिसाब बना के चेक करो कि है या नहीं। सूक्ष्म कोई ममता है, कोई इच्छा है, कोई इसमें ईर्ष्या है। और हम तो आजकल सबसे बड़ी एक माया देखती हूँ सभी में, अहम और वहम की बड़ी बीमारी। इसने मुझे जो देखा ना, इसको मेरे लिए दिल में कुछ है। अरे उस बेचारे को कुछ ख्वाब में भी नहीं होगा, नहीं कोई आपस में बात करता होगा, उसने जरूर मेरे लिए कोई बात कही। मैं चला तो बंद कर दिया। अरे उसने बंद किया या न किया, लेकिन तू तो उनका वहम में ही पड़ेगा। ये भी एक आजकल बहुत ही सूक्ष्म, जिसको कहें सूक्ष्म संकल्प, वो वाइब्रेशन में बहुत। इसीलिए समझो, वो भी अगर मेरी दृष्टि गई, फिर संकल्प चला, जरा पता निकालूंगा, देखूंगा, ये वो व्यवहार करेगा। तुम ही तो मेरे लिए ऐसे कह रहे थे ना यहाँ, फिर उससे पूछेगा, उनसे पूछेगा, एक संकल्प फिर आठ के बीच में उनका चक्कर चलेगा। अब वो चक्कर चला या सुदर्शन चक्कर चला, तो क्या चला? तो अहम और वहम की भी बहुत बीमारी होती है। इसीलिए बाबा इन सब बातों से हमें मुक्त करता, तब जीवन मुक्ति का मजा है। ऐसे ही नहीं जीवन मुक्ति का मजा है। इसीलिए नॉलेज ने हमें सिखाया है सेकंड में फुल स्टॉप। अब सबसे बड़ी कमजोरी है, तो मैंने देखा है फुल स्टॉप लगाने की कमजोरी। फुल स्टॉप लगाने का फाउंडेशन हर सेकंड में मजबूत है। जिसके पास फुल स्टॉप लगाने की शक्ति नहीं, समझो वह स्थिति कमजोर। फिर जरूर कोई न कोई सूक्ष्म संकल्प विकल्प वाइब्रेशन वृत्ति दृष्टि फलाना तेरा यूं बुद्धि में चलेगा तो शिव बाबा को ले जाए। इसलिए रोज अपने मीटर में देखो कि मैंने फुल स्टॉप लगाया है, मेरे पास में हर प्रकार से बिंदु, तो बाबा नहीं कहते तीन बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु, ये ऐसी बिंदु की फुल स्टॉप की नॉलेज है जो और कोई भी इन भक्ति मार्ग में या साधुओं के पास ये फुल स्टॉप लगाने की बिंदु। और ये है हमारे पास में सबसे बड़ी सहज और शक्तिशाली तीन बिंदु। तो फिर बुद्धि की लाइन भी क्लियर होती, स्थिति भी अच्छी होती, नींद भी अच्छी आएंगे, व्यवहार भी अच्छा रहेगा और इस कहा के खुशी में भी। इसलिए बाबा ने एक बार मुरली में बताया, एक है दिमाग से बाबा को याद करना, एक है दिल से याद। तो बिंदु लगाना नहीं आएगा तो दिमाग से सिर्फ बाबा, लेकिन दिल से नहीं याद करना। दिल से याद करने वाले के पास में ये सब बातें सेकंड में खत्म हो। दूसरा ये हमारा देखना होता कि हमारा संकल्प समय
संकल्प समय कि सफल हो रहा है या कहां वेस्ट भी जा रहा है। समय भी कीमती है तो संकल्प भी हमारी कीमत, संकल्प भी वेस्ट जाते तो भी कमाई जाती, समय वेस्ट जाता तो भी कमाई जाती। तो इसके लिए वेस्ट थॉट्स नहीं चले तो टाइम वेस्ट नहीं चले। फंक्शन